हाय पायल, खुशी आ गई क्या? नहीं, पायल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप हमसे कुछ पूछना चाहते थे ना? चैनली, कि तुम कैसी हो? जी, हम ठीक है। पायल, एक्चुअली मुझे तुमसे इन पे सिग्नेचर। ये क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये तो सिर्फ दफ्तर के कागज है। नानव जी, या मेरे ऑफिस के कागज हैं। पर ये आप हमें क्यों दे रहे? हलवा, हलवा, बादाम का हलवा। जीजी, तुम्हें बादाम का हलवा बनाना चाहिए। जीजा जी के लिए, उन्हें बहुत पसंद है, वो आते ही होंगे बादाम का हलवा खाने, है ना अब जी? क्या बात है खुशी, तुम ऐसे? जीजी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। जब तक ये सनका देवी तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। खुशी, हेलो, हाय, बाय बाय। रिटर्न ऑफ पार्टी साड़ी सीजन 2। कुंभ के मेले में बिछड़े के बाद दोनों गुप्ता सिस्टर्स का टियरफुल भरत मिलाप। खुशी बिटिया, अगली बार जब जाइएगा तो वजह बता के जाइएगा। यस यस, याद रखो, अब तुम सिर्फ फाटी साड़ी नहीं, राजदादा परिवार की तुम डॉटर इन लॉ हो। कब बड़ी होगी, जिम्मेदारी का कोनो एहसास है कि नहीं? नानी, कल होली है, सारी तैयारियां पड़ी हैं, आप एक बार आके देख लीजिए ना, क्या करना है क्या नहीं करना। खुशी जी, आप भी आइए ना। चलिए चलिए। हमें किसी भी तरह वो कागज उनसे लेने ही होंगे, वरना वो फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेंगे। हाय भाई, वो मिस्टर रॉय कह रहे थे कि आपको उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहिए क्या? व्हाट डॉक्यूमेंट? वो नैनीताल डील के डॉक्यूमेंट्स जो तुमने रेस्टोरेंट में साइन किए थे। या
मुझे कल दे देना, इट्स ओके। ओके राइट। अब भाई मैं बस पूछना चाहता था कि आप सडनली रेस्टोरेंट में कैसे? वाह, कहीं खुशी जी से तो? या, मैं खुशी से मिलने आया था। बट भाई आपको कैसे पता चला कि खुशी जी वहां आ रही है? जानिए आसान तरीके कि कैसन कर सकत है घर और परिवार पर राज। क्या आप आजकल किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनके पर कतरने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? अरे वाकई हम तो खून भरी टांग एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपसे नीचे पद पर काम करने वाले लोग आपको हुकुम चलाने नहीं दे रहे हैं? अरे ये तो खून भरी टांग की रुचि की स्टोरी है। अब क्या आपके आसपास के लोगन के आपके अंदर का लीडर नजर नहीं आ रहा है? हेलो हाय बाय बाय मनोरमा, अरे ये तो एकदम तुम्हारी ही स्टोरी है। लेकिन आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सही जगह मिलने का समय आ गया है। अपने डर पर जीत पाइए। इसका मतलब कि हम खून भरी टांग पर जीत पाएंगे। आत्मविश्वास के साथ बेखौफ होकर अपन हर बात को बयान कीजिए और अंत में आपकी जीत पक्की है। उन्हें चुनौती दीजिए, कम से कम समय में उन्हें मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए कहिए। उनके आंसू से पिघलिए मत, समझ गए? अंत भला तो सब भला, ये सोचिए कि इमे आपकी और सबकी भलाई है। हेलो हाय बाय बाय, अरे ये विलन तो एक्शन में लावे का पड़ी एकदम फुल स्पीड में। जी आपने कुछ कहा? काहे हम कुछ कह नहीं सकत है का? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं। हम कमान हमारे साथ चलो। जी अंग्रेजी में आवे को कमान कहते हैं, मालूम नहीं है का तुमका? चलो हम तुम्हारा टेस्ट ले वाले हैं और अगर वो टेस्ट में तुम पास हुई तो हमारी बहू बनने के लिए फिट हो, अगर नहीं तो। जी चलिए ना। इस सुई धागे की कोनो जरूरत नहीं है वहां। कमान ये लाट गवर्नर कहां है? पता नहीं उन्होंने कागज कहां रखे। मैंने कहा था ना खुशी, तुम मेरे पास वापस आओगी और मुझे अपना नाम नहीं बदलना पड़ेगा। सो तुम स्टिल अर्नव सिंह रायजादा। हम मानते कि आपकी जीत हुई और हमारी हार। अभी कागज हमें दे दीजिए और फिर कभी जीजी और जीजा जी को अलग करने के बारे में सोचेगा भी मत। पेपर्स तो मैं अपने पास ही रखूंगा खुशी, कहीं सेफ ही रखूंगा ताकि अगली बार कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले तुम दो बार सोचो। खुशी पेपर्स वापस करो। इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। खुशी आई एम वार्निंग यू। Thank you.
विश्वास ही नहीं होता कि आप हमारी दीदी के साथ अपने भाई के साथ ऐसा कर सकते। आप हमेशा पहले बात को बिगाड़ते और फिर बनाते। क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। क्योंकि आप सब पे हुक्म चलाना चाहते, सबको दबा कर रखना चाहते, आपको वो अच्छा लगता है। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और रहेगा हमेशा।